स्वागत है दोस्तों। जब एक दो दिन बाद अपने कैक्टस सकलेंट्स चेक करते हैं, कैक्टस तो खैर कभी इतनी जल्दी मरते नहीं हैं, आप उनको इस तरह से देखते हैं जैसे ये लग रहा है अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा। ये ठीक है, बाकी इधर भी ठीक है। वैसे तो ये इतने हार्डी होते हैं कि अगर ये देखो बनीज कैक्टस है, ये यहाँ गिरा हुआ भी देखो अपने आप प्रोपेगेट हो रहा है। ये दूसरी लीफ भी देखो इसकी, ये सॉइल के ऊपर गिरे गिरे भी ये प्रोपेगेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ सकुलेंट्स ऐसा नहीं कर पाते, ये वो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाते हैं। ये देखो जैसे आप इसको पूरे सॉइल मिक्स से निकालें, चेक करें सॉइल में, और इसको अच्छे से पानी से वॉश करें। ये मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है, थोड़ा सा फंगीसाइड भी लगाएं, और मैं आपको बता रही हूँ कि इसको वाटर प्रोपेगेट करें। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अमेजिंग, कि जो सकुलेंट्स ओवर वाटर से मर जाते हैं, अगर हम उनको पानी में प्रॉपेगेट करते हैं तो बहुत ही खूबसूरती से वो प्रॉपेगेशन होती है। ये मैं दिखा रही हूँ आपको, फिश बोन कैक्टस, ये देखो इसकी प्रॉपेगेशन हो रही है। और ये मैं लेके आई थी कटिंग्स, और इनको सबको मिट्टी मैंने डाला, मिट्टी में प्रोपेगेशन नहीं हो रही थी तो मैंने इसको पानी में डाल दिया। ये देखो दिख रही होंगी आपको ये वाइट कलर की इसकी रूट्स, तो घबराए नहीं, ये ट्राई ज़रूर करें, वाटर प्रोपेगेशन ऑफ सकुलेंट्स। और ये भी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मेरा प्लांट 2 महीने से ज़्यादा पानी में है और इसकी प्रोपेगेशन देखो, और इसमें ये न्यू लीफ भी आने लग गई है। और सकुलेंट दिखाती हूँ, ये भी देखो मैंने एक कांच का बर्तन लेके, आपको अगर चौड़ा मुंह है तो इस तरह से पॉलिथीन लगा के उसके बीच में होल करके बस बीच में आपको अपना सकुलेंट डाल देना, और उसमें ये देखो रूट्स। और दिखाती हूँ, ये भी मैंने इस तरह से डाला हुआ है, देखो पानी में रूट्स निकली हैं इसकी। ये भी मेरा कुछ इन्फेक्टेड हो गया था, मैंने इसको निकाल के ऊपर कट करके फंगीसाइड लगा के फिर मैंने इसको पानी में डाल दिया। एक और दिखाती हूँ, ये भी देखो, ये बिल्कुल मर रहा था, मैंने इसको सारा निकल के क्लीन करके रूट्स कट करके इसके पानी में डाला है। ये विदिन 10 डेज इसकी रूट्स आ गई हैं, और ऊपर से ये कितना हेल्दी हो गया। और इसको भी डाला मैंने, देखते हैं इसमें रूट्स निकलती हैं अभी के नहीं, चलो फिलहाल डाल देती हूँ। और एक ये प्लांट भी देखो, इसको भी मैंने पानी में लीफ डाली हुई थी, ये देखो प्रॉपेगेट हो रहा है ये। तो आप घबराएं नहीं, वाटर प्रॉपेगेशन सकुलेंट्स के लिए सबसे बढ़िया है। अगर प्लांट मर रहा है तो आप, मैं इसमें
ये जो अपना प्लांट मेरे लग रहा है कि मर रहा है, बजाय कि इसको मैं मरने दूँ, इसको पानी डाल के छोटे बॉटल का मुंह हो जिसमें, बस आपने इसको बीच में डिप कर देना और इसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखना, तो ये प्रोपेगेट करेगा। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आप ये ट्राई ज़रूर करें अगर आपको अपने मरते हुए सकुलेंट्स को बचाना है। कैसी लगी शेयरिंग? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।